तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि कमीशन वर्क के ऊपर ही है। और अगर आप चाहें तो इसको एक नॉर्मल स्केच पर भी समझ सकते हैं। तो ये वीडियो कलर पेंसिल के ऊपर होने वाला है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट और बेसिक टिप जो हर आर्टिस्ट के पास, मतलब जो हर आर्टिस्ट को आनी चाहिए, और एक सिचुएशन में वो किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर पाता है। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो मेरे पास ये कमीशन वर्क आया था, जो कि एक ओल्ड मैन का है, और इसमें उन्होंने बताया था कि जो फेस का जो है, फेस है वो आपको ड्रॉ करना है, लेकिन जो इसकी जो पगड़ी है, जिसको स्वापा भी बोलते हैं लोग और पगड़ी भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे पगड़ी वर्ड यूज़ करूँगा। आपको अगर कोई डाउट तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। सो ये जो पगड़ी है, उन्होंने ये बताया था कि पहले आप रेफरेंस इमेज देखिए। सो ये था रेफरेंस इमेज, और इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ करना था मुझे A3 साइज पे। तो मैंने क्या किया, अभी इसका ओनली फेस पूरा ड्रॉ कर दिया, बट जो पगड़ी है ना वो आप यहाँ पे देखिए, टोटली वाइट है। सो जो आप पगड़ी देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी लाइन्स वगैरह नहीं है, थोड़ी बहुत लाइन यहाँ है, और थोड़े बहुत जो पगड़ी के जो डार्क एरियाज में जो पगड़ी की सिलवटें हैं वो यहाँ पे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इस रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग तो मैंने पगड़ी को ड्रॉ कर दिया था। पगड़ी की जो आउटलाइन है ये वाली जो ऊपर वाली है, बीच में तो कुछ है ही नहीं, इसके बीच में तो कुछ फीचर्स दिख ही नहीं रहे हैं, लेकिन मेरे को क्या करना था कि जो पगड़ी के बीच के फीचर्स हैं वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने थे मुझे। इस पगड़ी की जगह जो ये वाली मैंने आपको दिखाई, इस पगड़ी की जगह मुझे ये वाली पगड़ी ड्रॉ करनी है। तो फोटोग्राफ तो एक ही, मतलब जो है जिसका मैं बना रहा हूँ उन्हीं की फ़ोटोग्राफ ये है और उन्हीं की फ़ोटोग्राफ ये है, बट मुझे इस फोटोग्राफ में ये वाला जो पगड़ी देख रहे हैं आप, ये वाली पगड़ी मुझे इस फोटोग्राफ में ऐड करनी है जो कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसी टॉपिक के ऊपर मैं आज मैंने सोचा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, और मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो होना ही होना चाहिए, ताकि जो आप लोग हैं आप लोग समझ सकें कि किस तरीके से आप इस सिचुएशन में, जो स्केच आपको है मान के चलिए जो आपके पास कमीशन वर्क आया है, और उनने बोला है कि थोड़े बहुत आपको जो रेफरेंस इमेज है वो आपको ड्रॉ करना है, बट थोड़े बहुत आपको उसमें चेंजेस करने हैं। जैसे इस इमेज में कुछ ऐड करना है, जैसे ऐड मुझे क्या करनी है, इसमें पगड़ी ऐड करनी है। तो किसी में क्या रहता है, जैसे कपल वर्क आया फॉर एग्जांपल, आपके पास एक कपल वर्क आया, तो उसमें दो फोटोग्राफ को आपको एक में कन्वर्ट करके जोड़ना है, उसको ड्रॉ करना है। तो ऐसे क्या है, काफ़ी ज़्यादा पीपल रहते हैं जो इस तरीके से ड्रॉ करवाते हैं आर्टिस्ट से, बट आपको ये आना चाहिए कि आप इस सिचुएशन में किस तरीके से ड्रॉ कर पा रहे हैं। सो इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, आई होप आप वीडियो एंजॉय करेंगे। और अब मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि जो इमेज है वो मैंने A3 साइज पर ड्रॉ की है, और इसमें जो कलर, ये कलर मीडियम में ड्रॉ कर रहा हूँ, कलर पेंसिल मीडियम में, और इसमें मैंने डॉम्स के पेंसिल कलर एंड फेबर कास्टल के जो 18 BI कलर पेंसिल आती हैं ये वाली, सो इनमें मैंने यूज़ किया है इन पेंसिल का, दो पेंसिल का मैंने यूज़ किया है, एक डॉम्स वाली और दूसरी फेबर कास्टल वाली। तो इतनी मेरी ड्राइंग हो चुकी है, अब मुझे क्या करना है, पगड़ी बनानी है। तो अभी हम पगड़ी को ड्रॉ करेंगे, और फ्रेंड जो पगड़ी में कलर यूज़ करूँगा वो ये वाले होंगे। एक बार मैं आपको रेफरेंस इमेज दिखा देता हूँ, ये रेफरेंस इमेज है कुछ इस तरीके की, और यहाँ पे आप देखिए जो रेफरेंस इमेज में कलर है वो ना तो ऑरेंज ही है, ना तो ब्राउन ही, और ना तो रेड ही है। तो मैंने ये कलर चूज़ किए हैं इस पगड़ी के अकॉर्डिंग, इस फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सो पगड़ी के मैं नेम्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना वहाँ से, चेकआउट कर लेना। और इसमें मैं फेवर कास्टल और डॉम्स के दोनों कलर का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं ब्राउन कलर का भी यूज़ करने वाला हूँ, जो ब्राउन कलर है, और मैं इसमें सबसे ज़्यादा कलर यूज़ करूँगा जो वो है ये वाला B9 है, इसका कोड B9 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं B9, और वर्ल्ड मिनरल कलर का मैं इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला हूँ इस इमेज में। तो चलिए इसको हम कलरिंग करते हैं, और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कौन से कलर में इसमें यूज़ करने वाला हूँ। सो पहले थोड़ा हम क्या करते हैं, ट्राई करके देखते हैं। मैं डायरेक्टली जो मेरा कमीशन वर्क है उस पर मैं डायरेक्टली
ड्रॉ करके नहीं देखूंगा, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये जो कलर्स का है वो कलर इस पे नहीं ऑप्ट हो पाया जो मुझको चाहिए है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरा पूरा स्केच ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से आप इस तरीके कलर को ऑप्ट कर पाते हो, किस तरीके से आप इस तरीके को मिक्सिंग करके कलर को बना सकते हो। तो जो कलर्स मैंने आपको बताए हैं वो ये हैं, इसमें ऑरेंज है, पेल ऑरेंज है, ब्राउन है, येलो है और ये वाला है वर्मिलन। तो अभी मैं थोड़ा इसमें चेक कर लेता हूँ कि कौन कौन से कलर हो पाते हैं, मिक्स करके देखते हैं हम। सो यहाँ पे पहले मैं वर्मिलन यूज़ कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से कलर आपको यूज़ करने हैं और कौन से कलर में आप कौन से कलर को मिक्स करेंगे तो ये आपका कलर बन जाएगा। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत शेड कर दिया है। और अब इसमें आप देखिए फ्रेंड, इसमें यहाँ पे जो ये डार्क हैं यहाँ पे और जो लाइन आपको दिख रही हैं सिलवटे या लाइन कह सकते हैं, सो यहाँ पे थोड़ा ब्राउन का शेड आ रहा है। तो मैं इस ऑरेंज में जो वर्मेलन कलर है इसमें मैं ब्राउन मिक्स करके देखता हूँ, अगर ये कलर ऑप्ट हो पाया तो मैं इसी का यूज़ कर लूँगा। तो कलर तो ये वाला और ये वाला मेरा बन चुका है। जो ये कलर मुझे यहाँ पे चाहिए, जो लाइंस आपको दिख रही हैं वो मेरा कम्प्लीटली बन चुका है। और इसमें मैंने ये जो ये वाला कलर है वर्मिलन, ये वाला कलर और ब्राउन कलर, ये दो कलर मैंने इसमें यूज़ किए हैं। अब बात करते हैं जो यहाँ का जो लाइटनिंग पोर्शन है, जो लाइंस के ये जो लाइन है इनके बीच वाला जो क्रीमी पॉइंट है, मतलब क्रीमी कलर है, स्किन कलर जिसको आप कह सकते हैं, उसमें मैं पेल ऑरेंज और वर्मिलन का यूज़ करके देखने वाला हूँ। अगर ये कलर ऑप्ट हो पाया तो मैं इन दोनों कलर का ही यूज़ करूँगा। सो ऐसा आपको प्रैक्टिस करने से ये पता चल जाएगा कि आपको कौन से कलर मिक्स करने हैं और कौन से कलर मिक्स करने से किस तरीके का कलर आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली अपने स्केच में यूज़ करेंगे और वहाँ पर वो रॉन्ग हो गया तो फिर आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वो सिचुएशन आपको हैंडल किस तरीके से करनी है। तो इससे अच्छा यही है कि आप पहले चेकआउट कर लें, पहले आप स्केच में देख लें। और इसके ऊपर मैं एक बार और पेल ऑरेंज यूज़ करने वाला हूँ। सो यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कि जो कलर था वो मैंने बना लिया है। थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। सो अब आप देखिए जो पगड़ी में मुझे कलर्स चाहिए हैं, एक तो ये जो लाइनिंग वाला कलर हो गया वो मैंने यहाँ पे बना लिया है, एक वर्मिलन का यूज़ करके और एक ब्राउन कलर का यूज़ करके। और जो बीच वाला पोर्सन है, जो यहाँ पर लाइट एरियाज हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा पिंक सा शेड आ रहा है इतने पोर्शन में, जो थोड़ा बहुत आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे पिंक कलर यूज़ होना चाहिए, तो वहाँ पे मैं पिंक भी यूज़ कर दूँगा। सो यहाँ का कलर मैंने ये बना लिया है जो कि पेल ऑरेंज और वर्मिलन का यूज़ करके। तो अभी हम स्केच में अपनी पगड़ी को ड्रॉ करते हैं। और पगड़ी की आउटलाइन मैंने इस रेफरेंस इमेज का यूज़ करके ड्रॉ की थी जो कि ये वाली थी, और इसमें मुझे ऐड करना था तो मैंने वो आपको बता दिया किस तरीके से आपको क्या करना है। सो अभी अब चलते हैं ड्रॉ करते हैं अपने स्केच में।
सो गाइस यार, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पगड़ी को ड्रॉ कर दिया है। और यहाँ पे मैंने जो पगड़ी में कलर यूज़ किए हैं वो कलर, मैंने ये चार कलर यूज़ किए हैं ओनली, जो कि फेबर कास्टल का है, और एक ब्राउन वाला है जो कि मैंने डोम्स का यूज़ किया है, और बाकी के ये तीन कलर फेबर कास्टल के यूज़ किए हैं। मैंने कलर आपको बता ही दिए थे कि कौन कौन से कलर मैंने यूज़ किए हैं, अगर आपको चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो का एम समझ में आया होगा कि किस एम पर मैंने, जो किस मोटिव पर मैंने ये वीडियो बनाई है। मेरा वीडियो बनाने का बस यही मोटिव था कि मैं बिगिनर्स को समझा सकूं, या जो आर्टिस्ट हैं और बिगिनर हैं उन्हें भी मैं समझा सकूं कि किस तरीके से आप इस तरीके की सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, कि जैसे इमेज रही और इमेज में कुछ आपको एडिशन वगैरह करना है, जैसे इस इमेज में मुझे ये ऐड करनी थी, यहाँ पे थी नहीं, और मुझे कैसे मैं इसको ऐड कर सकता हूँ। सो वो आपको आना चाहिए, आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा और उतने सिंपल वे में आप कर सकते हैं। अगर एक आर्टिस्ट होगा उसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो वो किसी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, किसी भी टाइम में या किसी भी कंडीशन में। अगर उसके पास ऐसी सिचुएशन आती हैं तो वो बिल्कुल ईजी वे में उसको हैंडल कर ले जाएगा और उसको सॉल्व कर ले जाएगा। सो यहाँ पे वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है कि कैसे मैंने इसमें ये ऐड किया है, और इमेजेस आपको मैंने यहाँ पे दिखाई नहीं थी कि ये इमेज थी, इसमें मुझे ये पगड़ी ऐड करनी थी, इसमें पगड़ी थी नहीं तो ये वाली पगड़ी मुझे इसमें ऐड करनी थी, सो ये ऐड करके मैंने ये बना दिया है। वैसे मैंने इसमें इसको ऐड तो किया नहीं है, वो जो यहाँ की जो इसमें मैंने क्या यूज़ किया है, मतलब इसको ड्रॉ करने में बेसिकली क्या होता है कि कलरिंग तो हम कर लेंगे और डार्क और लाइट हम देख लेंगे कि कहाँ से, मतलब फेस के हिसाब से देख लेंगे कि यहाँ पे लाइट आ रही है तो ये लाइट रखना है, यहाँ का डार्क है तो ये थोड़ा डार्क रखना है। तो मैंने उसी हिसाब से यहाँ का ज़्यादा लाइट रखा है और यहाँ का थोड़ा बहुत डार्क रखा है, इससे क्या है 3D लुक आ जाता है इमेज में और रियलिस्टिक लगने लगती है। सो मैंने इस इमेज का यूज़ करके ओनली आउटलाइंस ड्रॉ की थी, जो आउटलाइन है पगड़ी की, आउटलाइन है इस इमेज का यूज़ करके मैंने ड्रॉ किया था, और ये जो शेप है पगड़ी का कितना ऊंचा है कितना साइड में वो तो इसका यूज़ करके मैंने ड्रॉ कर लिया था, ये वाला यूज़ करके ड्रॉ कर लिया। बस मुझे लाइंस ड्रॉ करनी थी तो मैंने इसका यूज़ करके लाइंस ड्रॉ कर ली, और कलरिंग मैंने खुद से की है, खुद के कलर चूज़ करके की है कि कौन से कलर इसमें यूज़ होने चाहिए, कौन से कलर यूज़ करके, कौन से कलर मिक्स करके ये कलर बन पाएगा। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई है कि क्या मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है, और अगर आपको समझ में आई है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को यार जल्दी लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन वाली फीलिंग आएगी कि हाँ लोग मेरी वीडियो को समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और आप कमेंट करना मत भूलना, अगर आप कमेंट करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए, और तो मैं ऐसे ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक पे जो कि बिगिनर के लिए इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बेसिक से टॉपिक हैं तो उनके ऊपर मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। सो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे ना हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए ऐसे ही बढ़िया और बेसिक से मज़ेदार बिगिनर्स के लिए मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा। एंड थैंक यू सो वॉचिंग, बाय।